Hello guys, this is Ishant and you're watching Chunk It Out. You can also follow me on Instagram. I'm always available there. You can ask any question and I will try to answer each and every question. This video is going to be very interesting and very informative for students and their parents. Because in this video, I'm going to discuss the basic question, that is, which is better, hostel or flat or apartment? After quarantine, as you all know, the admissions will start. Students, they will take admission. It can be in India or abroad. Doesn't matter. तो इस वीडियो को मैं एक्चुअली टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और मैं बहुत ही क्विकली आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा. शायद मैं इस वीडियो में जो चीज आपको बताऊं वो किसी भी एजेंट या किसी भी कंसल्टेंट ने आपको नहीं बताया होगा, ना ही वो बताएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल. सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्टल और फ्लैट का मैं डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं. एकोमोडेशन, जब आप किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं, किसी कंसल्टेंसी से आप या किसी एजेंट से आप एडमिशन करवाते हैं, आपका एडमिशन तो हो जाता है लेकिन आपको वो सच नहीं बताता कि एकोमोडेशन यानी आपको जहां पर रहना है, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे फ्लैट हो, क्या बेटर है आपके लिए. मैं ये नहीं कर रहा हूं, ऑफकोर्स आपके दिमाग में होगा कि नहीं, फ्लैट तो बेटर होगा ही क्योंकि हम वहां पे ज्यादा करते हैं तो वो बेटर है. नहीं, हॉस्टल कैन बी बेटर और फ्लैट कैन बी बेटर इन टू वेज. लेट डिस्कस. नंबर वन, आपको सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको यह समझना होगा कि आप किसी कोर्स के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, आप अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, कोई भी स्टूडेंट अगर यूरोप जा रहा है तो उसको ये बातें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको 5 या 6 ईयर्स उसका कोर्स ड्यूरेशन होता है. तो 5-6 साल एक छोटा सा छोटा ड्यूरेशन नहीं होता. आपको कंफर्ट होना है, आप जिस काम के लिए गए हैं यानी एजुकेशन, आपको स्टडी भी अच्छे से करनी है, तभी आपको डिग्री मिलेगी, तभी आपका फ्यूचर बनेगा. तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए. अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको भी बिफोर गोइंग टू एनी एजेंट और कंसल्टेंट You should know all these 5 points. Number 1, education or study. Number 2, security. Number 3, privacy. Number 4, budget. And number 5, comfort. मैं सारी चीजों को compare करूंगा, आपको डिटेल में समझाता हूं. Number 1, मैं बात करता हूं हॉस्टल की. For example, आप हॉस्टल में गए, आपका जो academic हॉस्टल में, क्या मैं बात कर रहा हूं government हॉस्टल, for example, जो university की तरफ से allot होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जो कहीं पे भी डाल देते हैं और बोलते हैं हॉस्टल है, उसके पैसे अलग से लेते हैं, वो सब अलग चीजें, वो टॉपिक अलग है. तो मैं बता दूं कि हॉस्टल, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल हॉस्टल होता है, उसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं. वहां पे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, हर रूम यानी फ्लोर वाइज होते हैं, तो हर रूम ब्लॉक कह सकते हैं, हर एक फ्लोर पे ब्लॉक्स होते हैं, यानी 2-2 रूम्स के एक ब्लॉक कहलाता है. उसमें कॉमन टॉयलेट होता है और हर फ्लोर पे एक कॉमन किचन होता है. कहीं कहीं पे 2 किचन्स होते हैं, यानी हर फ्लोर पे 2 किचन और रोज वाइज आपके रूम्स होते हैं, रूम नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके. तो फीचर्स मैं बता दूं कि हॉस्टल सस्ता होता है बिकॉज यू हैव टू पे नॉट इन अ मंथ, यू हैव टू पे एनुअली. आप साल में एक बार या सेमेस्टर वाइज या फिर एनुअली आप पे कर सकते हैं हॉस्टल. प्रेजेंटली अब मैं अगर बताऊं तो 9,600, मैं अगर यूक्रेन की बात कर रहा हूं, यानी अप्रोक्सीमेट $350. सेम वे इन अदर कंट्रीज $400, $500, $300. इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स, इन विच कोर्स यू आर गोइंग एंड इन विच कंट्री यू आर गोइंग. सो मैं आपको रफली बता देता हूं. फीचर्स मैंने जैसे कि आपको पता है. अब हम बात करते हैं कंफर्ट जोन की. कंफर्ट जोन हो गया आपका, वहां पे सीटर वाइज होता है, बेड सिस्टम होता है, बेडिंग सिस्टम हॉस्टल में. फॉर एग्जांपल थ्री सीटर रूम है तो उसमें 3 बेड होते हैं, 2 सीटर रूम है तो उसमें 2 बेड्स होते हैं. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक रूम में 2 लोग हैं तो दूसरा आपका रूम पार्टनर कैसा है, आप कैसे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप लोग अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से सब कुछ, आपका फ्यूचर, आपका टाइम ड्यूरेशन कट जाएगा, आपकी स्टडीज भी अच्छे से होंगी.
तो मैंने आपको इस हॉस्टल से कंपेयर करने के लिए फ्लैट को मैंने इसलिए बताया, थोड़ा लास्ट में मैं बताऊंगा ताकि आप एक बार हॉस्टल समझ जाएंगे तो फ्लैट आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस ऑटोमेटिकली होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हॉस्टल में कुछ फैसिलिटीज और भी होती हैं, फॉर एग्जांपल कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, हॉस्टल में एक हॉल होता है वहां पे ऑर्गेनाइज होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन हैं, इंडियन हैं या अदर अदर कंट्रीज हैं, अरबिक्स हैं, तो उनका जो कल्चरल प्रोग्राम्स होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और काफी अच्छे से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस मैंने आपको बताया एनुअली आप पे कर सकते हैं या सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं, वो काफी चीप होता है, 350, 400, 500, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कंट्री। और फीचर्स ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे किक बॉक्सिंग सिखाया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या यूनिवर्सिटी की तरफ से जिम होती है, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, डांसिंग हॉल्स होते हैं जहां पे आप डांस सीख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हॉस्टल की। अब हम स्ट्रेट टूवर्ड जाते हैं फ्लैट की तरफ या अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट का वर्ड आते ही आपके दिमाग में आएगा यू हैव टू पे मोर, ऑफकोर्स बिकॉज इट्स लाइक योर होम एंड यू हैव टू पे लाइक इफ यू कंपेयर टू हॉस्टल, ऑफकोर्स हॉस्टल इज चीपर एंड फ्लैट इज एक्सपेंसिव। बट इस वीडियो को देखने के बाद और इस बातों को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज तभी आप डिसाइड कर पाएंगे जब तक आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मुझे क्या फ्लैट में रहना बेटर होगा या हॉस्टल में, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपका रूम पार्टनर अच्छा है, आपकी पटरी कोऑर्डिनेशन आपके अच्छा है, तब तो बेस्ट है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इट्स बेटर टू यू शिफ्ट इन फ्लैट। फ्लैट की रेंजेस मैं बता देता हूं, और अगर आप इवानो में स्पेशली जा रहे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, वहां पे आपको जस्ट क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये एक्चुअली जो कंपनी है वो आपको इंडियन हो या मतलब एक्चुअली वो फॉरनर्स के लिए है, और इजिली वो लो बजट में, लो प्राइस में बहुत ही अच्छे फ्लैट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइस को, एनुअली यू आर पेइंग फॉर एग्जाम्पल $350 इन हॉस्टल, फ्लैट की रेंज स्टार्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ 1 रूम 2 रूम 3 रूम की, मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1 रूम से, 1 रूम का रेंज स्टार्ट हो जाता है 100, 150, $200 पर मंथ, 2 BHK $200, $250, 3 BHK $300, $350, $400, $500 एंड सो ऑन। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ योर फ्लैट। फ्लैट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कंडीशंस। एक होता है ओल्ड फ्लैट, एक होता है कॉस्मेटिक रिमोट जिसे कहते हैं लाइक थोड़ा सा पुराना, और एक होता है यूरो रिमोट, यानी वो काफी लग्जरी फ्लैट होते हैं और काफी अच्छे होते हैं जो नए टाइप के फ्लैट होते हैं। तो मैंने आपको रेंज बता दी 1, 2, 3 BHK के, और जैसा कि आपको मैंने बताया कैटेगरीज भी, तो किस कैटेगरी में कैसा आता है सारा प्रोवाइड आपको वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप प्लीज वहां पर जाके ज्वाइंट करिए उस ग्रुप को। और बहुत ही एक लो प्राइसेस में, लो अफोर्डेबल प्राइस में आपको फ्लैट मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 लोग हैं, आपने 150 का फ्लैट ले लिया और उसमें 2 लोग रह रहे हैं, तो पर मंथ आपका डिवाइड हो गया बिल्स, पर मंथ आपका रेंट डिवाइड हो गया। आप एक होम की तरह रह रहे हैं, हॉस्टल की तरह नहीं है कि हॉश पॉश है, होम की तरह आप रह रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है, कंफर्ट भी है, आपका प्राइवेसी भी है, यानी कंपेयर टू हॉस्टल इट्स बेटर। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लोग हैं और आपने 2 BHK ले लिया 200 का, तो 1 रूम में एक बंदा रह रहा है एंड सेकेंड स्टूडेंट इन द सेकेंड रूम, यू हैव द प्राइवेसी, यू हैव द ओन डोर्स, यू कैन लिव सेपरेटली, यू कैन ईट सेपरेटली इफ यू डोंट लाइक टू कुक टूगेदर, लाइक सो मेनी ऑप्शन आते हैं। सो इस तरह से अगर हम देखें फैसिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, तो फ्लैट इज बेटर देन द हॉस्टल। एंड इफ यू वॉन्ट टू जस्ट सी द प्राइस बजट, देन ऑफकोर्स हॉस्टल इज बेटर।
और फ्लैट में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाता है, वहाँ पे सेंसर्स होते हैं और वो पर्टिकुलर जो वहाँ पे रहते हैं रेंट पे उनको ही दिया जाता है। तो यानी वो सेंसर लगाते हैं गेट पे, तब गेट खुलता है, तब वो अपने रूम में जाते हैं, यानी हाईली सिक्योरिटी होती है। तो दोनों ही तरफ अगर हॉस्टल की बात करें वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और फ्लैट में भी सिक्योरिटी पर्पस काफी अच्छी होती है। डोमोफोन भी होता है जिससे कि आप नंबर डायल करके सीधे, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आया है तो आप जान रहे हैं कि कौन आया है। वीडियो डोमोफोन्स भी होते हैं, तो काफी फैसिलिटीज है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लैट। सो फाइनली मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो आई थिंक काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि स्टूडेंट जब ट्रैवल करते हैं तो एजेंट उनको कुछ भी नहीं बताता, वो बस ये बताता हाँ इतने का फ्लैट है, इतने का हॉस्टल है, हॉस्टल में चले जाओ। हॉस्टल कैसा है वो नहीं बताते, फ्लैट कैसा है वो नहीं बताते। प्राइस डिफरेंस भी सिर्फ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, आपको 5-6 ईयर्स यू हैव टू स्पेंड इन फॉरेन, यू हैव टू स्टडी, योर मेन एम इज टू स्टडी। सो आपको बहुत सी चीजें वो देखना होगा कि आपके लायक, आपके कंफर्ट जोन या आपके प्राइवेसी या आपका ओवरऑल चीजें आपको समझनी होंगी, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि विच इज बेटर, हॉस्टल और फ्लैट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।